नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, बैंगन का भाजा बहुत ही सिंपल होता है बनाना, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है बैंगन का भाजा। तो दोस्तों, आइए बहुत ही आसान विधि से फटाफट बना लेते हैं बैंगन का भाजा। यहाँ पर हमने दो बैंगन को गोल गोल साइज में काट लिया है, देख सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं, बहुत ही कम सामग्री से बनने वाला और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला ये बैंगन का भाजा है। यहाँ पे हमने एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक डाला है, इसी के साथ आधा चम्मच लाल मिर्च। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। और इसी के साथ 4 से 5 हरी मिर्च को भी हम हल्दी और नमक में लपेट लेते हैं। और चलिए बना देते हैं फटाफट बैंगन का भाजा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसको आप रोटी के साथ खाइए या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी बैंगन का भाजा बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी नमक और लाल मिर्च लपेट के रख दिया है। इसी के साथ अब इसको कम तेल में हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तवे पे तेल डाले हैं 2 से 3 बड़े चम्मच, और बस इसको हमें पूरे तवे पे सजा लेना है। और कम तेल में ये बहुत ही आसान विधि से बन जाता है। बहुत लोग इसको तेल में तल भी देते हैं, अगर जल्दी चाहिए तो ये तेल में तल के भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आराम से आप बना रहे हैं तो इस तरीके से तवे पे धीरे धीरे मधुर आँच में इसको बनने दीजिए। इसी के साथ हमने जो हरी मिर्च डाला है वो भी भून के रेडी हो जाएगा, और ये हरी मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, देख सकते हैं। एक एक करके हमने इसको अच्छे से सजा दिया है। अब आइए इसको ढकते हैं और एक एक करके पलटेंगे और इसको सेकते जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तेज आँच करेंगे तो जल जाएगा, बनेगा भी नहीं। धीमा आँच रहेगा तो बहुत ही मधुर आँच में ये सिक जाता है। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना है, बैंगन का भाजा अगर खाने का मन है तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बैंगन का भाजा अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही मधुर आँच में इस तरीके से सेकने के बाद एकदम देख सकते हैं बैंगन अच्छे से गल गया है और भाजा एकदम रेडी हो गया। तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं लगा और बन के रेडी। इसको आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे हमारी थाली लगी हुई है। तो चलिए, अगर आपको ये बैंगन का भाजा का रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले इंडस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।